नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टडी सर्किल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बोल्ट बोल्ट के बारे में बताया जाएगा। बोल्ट बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, और वीडियो के लास्ट में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि इससे पहले मैंने सीट मेटल वर्क से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, उसके भी क्वेश्चन आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला है आर पार बोल्ट बोलते हैं या थ्रो बोल्ट। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। क्या होता है, जब दो मशीनी अंगों को, यहां पर क्या है, एक सिलेंडर हेड है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर इंजन के अंदर होता है, सिलेंडर होता है, उसके ऊपर सिलेंडर हेड, तो इसको जोड़ा जाता है। तो क्या होता है, जब दो मशीनी अंगों को बोल्ट की सहायता से जोड़ना होता है, ये दो मशीन अंग हो गए, इनको किसकी सहायता से, बोल्ट की सहायता से जोड़ेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें छेद कर लेंगे, छेद करके उस बोल्ट को आर पार निकाल देंगे। इसलिए इसको क्या बोला है, आर पार बोल्ट। आर पार ब्लॉक डालकर इसमें दूसरी ओर से नट को कस देंगे। तो इस प्रकार के जो बोल्ट होते हैं, जिसमें दूसरी ओर से किसको कसा जाता है, नट को कसा जाता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर पार बोल्ट कहते हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है समझने की, इस बोल्ट का जो साइज होता है, जो इस बोल्ट का जो साइज होता है, वो इसमें जो चूड़ी होती है उस चूड़ी के बड़े बड़े व्यास, उस चूड़ी के बड़े व्यास तथा जो शैंक होता है, शैंक की लंबाई, शैंक की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ये बोल्ट का जो साइज होता है, इसमें जो बोल्ट का जो साइज होता है वो चूड़ी के बड़े व्यास, इस जो चूड़ी होगी, इस पर ये जो चूड़ी होगी इसका जो सबसे बड़ा व्यास होगा उससे, तथा सेंक की लंबाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसका साइज, बोल्ट का साइज, ठीक है। अगला है टैप बोल्ट। तो टैप बोल्ट क्या होता है, ये डायग्राम आपके सामने टैप बोल्ट का बना हुआ है। इस बोल्ट के एक सिरे पर चूड़ियां बनी होती हैं। टैप बोल्ट की सहायता से इसके द्वारा क्या किया जाता है, दो भागों को जोड़ने के लिए, जिसके एक भाग में क्या होती हैं, चूड़ी बनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो भाग हैं, ये भाग एक है, भाग दो है, इस भाग में क्या होंगी, चूड़ियां बनी होंगी। और टैप बोल्ट को ऊपर से डाल के, ये टैप बोल्ट के निचले सिरे में चूड़ियां होती हैं, और टैप बोल्ट को डाल के इसमें कस दिया जाता है। इसी प्रकार ये डायग्राम है, इस दूसरे भाग में चूड़ियां बनी होंगी और यहां से टैप बोल्ट को डाल के कस दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब टैप बोल्ट और आर पार बोल्ट जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, उसमें क्या डिफरेंस हो गया, कि जो टैप बोल्ट होता है उसमें नट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें नट की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके एक सिरे पर ये वहीं कसा जा सकता है जिस जो भी जोड़ने वाला भाग है उसके दूसरे सिरे पर चूड़ियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका टैप बोल्ट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें नट की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक चीज और बता दूं आपको कि कई सारे चैनलों पर काफी टाइम की वीडियो होती है लेकिन उनमें मटेरियल थोड़ा सा ही होता है, लेकिन मैं आपको थोड़े से समय में ही काफी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले पर, मशीन स्क्रू। अगला है मशीन स्क्रू। तो मशीन स्क्रू क्या होते हैं,
यह बहुत छोटे स्क्रू होते हैं। ये जो स्क्रू आपको देख रहा है छोटे होते हैं, और छोटे मशीनी पार्ट्स जैसे कि सिलाई मशीन, कार्बोरेटर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। अब इनके जो सिर होते हैं, ये सिर कहलाता है, इन पर झिरी कटी होती है, देख रहे हैं इनका टॉप व्यू, ये झिरी जिसके साथ इनका पेचकस का प्रयोग किया जा सकता है। आप घर में भी देख सकते हैं इस टाइप के स्क्रू आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे कौन से स्क्रू कहलाते हैं? मशीन स्क्रू कहलाते हैं। और कभी कभी इनके साथ में ढिबरी का यानी बोल्ट का भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप के जो स्क्रू होते हैं, ये मशीन स्क्रू कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? छोटे छोटे मशीनी पार्ट्स में, जैसे सिलाई मशीन हुआ, कार्बोरेटर हुआ, आदि जगह प्रयोग किए जाते हैं। अगला है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, होते क्या है ये देखते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दो अंगों के बीच में, ये इस डायग्राम को मैं बाद में समझाऊंगा, दो अंगों के बीच, ये एक शाफ्ट है, ये हब है, किसी के अंदर शाफ्ट डली हुई है, जब शाफ्ट को घूमेगी तो उसके साथ में ये हब भी घूमेगा। तो ये हो गई दोनों की आपसी की सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो दो अंगों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है? दो अंगों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए, ये हब है, ये है, तो हम ये चाहते कि दोनों एक साथ घूमें, दोनों एक साथ घूमें, ऐसा ना हो कि शाफ्ट घूमे और हब उस पर फिसले, दोनों एक साथ घूमें। तो इस प्रकार दोनों की बीच जो सापेक्ष गति है, यानी सापेक्ष गति समझ गए, उनको रोकने के लिए सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है, किस स्क्रू का प्रयोग सापेक्ष गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सेट स्क्रू। अब जो सेट स्क्रू होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, देख सकते हैं आप, ये तीन टाइप्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं। किसी किसी में हेड होता है, किसी में डायरेक्ट पॉइंटेड होते हैं, कस देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेट स्क्रू। मेनली इसका यूज यही है कि सेट स्क्रू का प्रयोग दो जोड़े जाने वाले मशीनी अंगों में सापेक्ष गति को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, स्टड या स्टड बोल्ट, एक ही है दोनों नाम। ठीक है, तो स्टड क्या होता है? स्टड बोल्ट की ही भांति होता है, लेकिन इसमें सिरा नहीं होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात है, बोल्ट की तरह सिरा नहीं होता है, और इसकी जो सबसे खास बात है जो पेपर में पूछी जाती है, इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं। इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है, स्टड आपकी समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा बोल्ट जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? स्टड या बोल्ट कहलाता है। अब इसका जो अधिकतर प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग इंजनों में सिलेंडर तथा सिलेंडर हेड को जोड़ने के लिए
किया जाता है। और ये जो होते हैं स्टड जो होते हैं वो सामान्यतः कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा या इस्पात के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सारे बोल्ट। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्क्रू के एक घुमाव में उसके द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो स्क्रू के एक घुमाव में जो वो दूरी तय करता है उस दूरी को बोलते हैं लीड। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा धातु की चादरों में चित्र या अक्षर लिखे जाते हैं या छापे जाते हैं? तो मैंने दोस्तों आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें सारी शीट मेटल की वर्क आपको बताए थे। ठीक है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो किस क्रिया के द्वारा धातु की चादरों में चित्र छापे जाते हैं? एम्बोजिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्टड के एक सिरे पर चूड़ियां तथा एक सिरे पर हेड होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, क्यों गलत है? क्योंकि स्टड क्या होता है, स्टड के दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं। ठीक है, स्टड के दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टड सामान्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो कास्ट आयरन के। स्टड सामान्यतः कास्ट आयरन अर्थात ढलवा लोहा के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो जोड़े जाने वाले अंगों में सापेक्ष गति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी दो अंगों के बीच में सापेक्ष गति को रोकना हो तो उसके लिए सेट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बोल्ट में नट की आवश्यकता नहीं होती है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किस प्रकार के बोल्ट में? टैप बोल्ट में। टैप बोल्ट में नट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार किसी बोल्ट का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसी बोल्ट का आकार, तो ये भी पढ़ा चुका हूं, किसके द्वारा? उसकी चूड़ी के बड़े व्यास तथा शैंक की लंबाई के द्वारा उस बोल्ट का आकार को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिवेट की दो लगातार पंक्तियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो लगातार पंक्तियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बैक पिच। ठीक है दोस्तों, रिवेटों से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल दीप स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।